दरभंगा पुलिस का सिंघम अवतार, 12 घंटे के अंदर दबोचे गए चोर। चोरी का पूरा सामान भी पुलिस ने किया बरामद। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो अपराधी कहीं भी छिप जाए, चाहे आकाश हो या पाताल, उसे गिरफ्तार कर लेती है। ठीक उसी कहावत के अनुरूप शुक्रवार को दरभंगा पुलिस ने बीते रात चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को उनके घर से हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ चोर का सारा सामान भी बरामद कर लिया। गुरुवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसेरा गली की एक घर से 3 से 3.5 लाख की गहने की भयंकर चोरी की गई। पुलिस की सूचना मिलते ही 3 बजे रात को फौरन नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुबह 5:30 बजे वापस घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जिसमें यह मामला स्पष्ट हुआ कि 2 लोगों ने घर में घुसकर 3.5 लाख का गहना उड़ा ले गए हैं। थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद, SHO मनीष कुमार और विनय कुमार चौधरी ने सीसीटीवी में चोरों को पहचान लिया और फिर दलबल के साथ पहुंचे प्रशासन की टीम ने घर में चोरों को धर दबोचा। जिन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, उनमें से एक मोहम्मद सितारे और दूसरा मोहम्मद एजाज है। दरअसल इन दोनों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, यही कारण है कि पुलिस को इनकी सारी जानकारी थी और सीसीटीवी फुटेज मिलने के तुरंत बाद ही इस प्रकार की कार्रवाई संभव हो सकी है। वहीं आवेदनकर्ता राजन सह ने पुलिस की तत्परता सराहना करते हुए सभी का धन्यवाद दिया। साथ ही पुलिस से मांग भी की है कि प्रशासन ऐसे पेशेवर चोरों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि यह दोबारा ऐसा घटने को अंजाम न दे सके। देखिए, जानकारी ये है कि नगर थाना अंतर्गत बसेरा होटल की गली है, उसमें राजन शाह के घर, जिनका किराना का दुकान भी है, उनके घर लगभग 1:05 पर जहाँ सीसीटीवी फुटेज में बाद में क्लियर हुआ, चोरों ने चोरी की। पुलिस को सूचना मिली, 3 बजे रात को पुलिस वहाँ पहुँची। उनके अनुरोध पर सीसीटीवी के अवलोकन है तो फिर सुबह 5:30 बजे पहुँची। उसमें यह मामला स्पष्ट हुआ कि 2 लोग आए थे, दोनों को शिनाख्त की गई, दोनों के बारे में दरियाफ्त किया गया। पता चला कि इन लोगों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसी आधार पर फिर जो थाना अध्यक्ष हैं श्री मदन प्रसाद, ASHO मनीष कुमार और विनय कुमार चौधरी जो हैं, उनके नेतृत्व में टीम ने उन दोनों को, जो 2 चोर हैं, उन दोनों को घर से घर दबोचा। उसके बाद उन लोगों को थाने लाने के क्रम में पूछताछ कर किए, उसी क्रम में उन्हें बताया कि सामान को कहाँ रखा गया है। एक बक्सा था जिसमें लगभग 5 भर सोने के जेवरात की चोरी होने की बात बताई गई थी। उस बॉक्स को भी उनके निशानदेही पर बरामद किया गया। नाले में उन्होंने उसे छुपाने के ख्याल से फेंका था, उस नाले से बॉक्स को बरामद किया गया और सारा का सारा माल पुलिस ने तत्परता से रिकवर कर लिया है। सर, कितने का सामान बरामद हुआ, कुछ कहा? जो भी सामान गया था उसका डिटेल सेफ्टी सूची में दिया हुआ है, सारा सामान यथावत बरामद किया गया। दोनों कहाँ गिरफ्तार हुए? अपने अपने घर से गिरफ्तार हुए। कहाँ है सर इनका घर? पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। सर, एक सवाल है। सवाल ये है कि शहर में जिस तरीके से चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, तो पुलिस ने इसको बढ़ाएगी क्या? ऑलरेडी बढ़ा चुकी है, गश्ती की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। ठंड के दिन आने वाला है, ठंड में कोहरा भी होता है, पर्व का समय आने वाला है, लोग शहर से बाहर भी जाते हैं, इसलिए गश्ती की संख्या ऑलरेडी बढ़ाई गई है। बीफ पेट्रोलिंग हो रही है, पैदल गश्ती हो रही है, बाइक पेट्रोलिंग हो रही है। सर, अभी पर्व त्योहार का समय है, खास करके दीपावली और रेगुलर विजिट हो रही है, बैंक के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा बैंकों में सुरक्षा के इंतजाम है, उसके बारे में उन्हें बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। साथ ही चेक भी किया जा रहा है कि जो सेफ्टी अलार्म्स है वो सब सही समय पर ऑपरेट होता है या नहीं होता है। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ सीसीटीवी ऑलरेडी लगे हुए हैं, देखा जा रहा है कि वो कार्यरत हैं या नहीं। जो कार्यरत नहीं है उनकी मरम्मति के लिए कहा गया है, जो कार्यरत हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी के रहने से ये हम लोगों का एक अनुरोध भी है कि जो संस्थान है, कुछ समाज से भी लोग हैं और भी लोग हैं, वो लोग अपने जो मेन एरियाज हैं जहाँ पे ऐसी वारदातें लगातार घटित हो रही हैं, जिसकी सूचना बाद में दी जाती है, अगर सीसीटीवी फुटेज हमें मिल जाता है तो काम काफ़ी आसान हो जाता है और जिस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए एक डेटरेंट भी है, वो ऐसी जगह पर जाने से कतराते हैं। ट्रिपल मूवमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज जो भी गाड़ी समय, अगर कोई संदिग्ध समय है, लेट नाइट है या ऐसा कुछ है, तो उसको रोको टोको पूछा जाता है।